हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम असलम शहरियार। अल्लाह कैसे हैं? ठीक ठाक। का शुक्र, अल्लाह बस का। वालेकुम असलम हसन। जी सर, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम असलम। अभी पाँच चीज पाँच एहसन फटक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम राहिल असलम राहिल। सर, मैं भी अभी ऑफिस जाने की तैयारी ही कर रहा हूँ। आजकल काम का लोड बहुत आया हुआ है। कौन हसन? यस सर। आप आर्टिस्टिक में हो सर, ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं सर, अब मैं चेंज कर ली, मैंने फैक्ट्री दूसरी जगह आ गया सर। कहाँ पे चले गए? अच्छा, गुलामत चला गया सर। तो आर्टिस्टिक के पास ज्यादा काम है या गुल अहमद के पास ज्यादा काम है? सर, काम दोनों के पास ज्यादा है। वो डेनम बना रहे हैं और ये होम टेक्सटाइल बना रहे हैं, मतलब कपड़े और ये बेडशीट्स वगैरह, लॉन वगैरह। अच्छा लेकिन सर, अभी दोनों ऑर्डर का तो सभी के पास जो है ना, सारी टेक्सटाइल के पास तकरीबन 6 मंथ्स तक के तो ऑर्डर हैं, चाहे वो कितने? अच्छा, टॉवल हो, डेनिम हो, या तकरीबन 6 महीने तक तो है, फुल है सब ऑलमोस्ट कोविड सर तकरीबन के। फुल कैपेसिटी पर हैं। और ये भी रो रहे हैं कि हमारे पास जो है प्रोजेक्ट नहीं है कोविड की वजह नहीं से। यस सर, सर। ये तो बताया हमारा नहीं है, मतलब वो जो कंपनसेशन के हवाले से तो लोग करते हैं तो, लेकिन ये है कि ऑर्डर्स बहुत हैं। ये सिर्फ झूठ है कि मतलब बिजनेस नहीं है, ये नहीं है। ऑर्डर्स बहुत है सर, ये यस एप्टमा के चेयरमैन ने ये सर। बात बयान दिया था कि हमारे पास जो है वो हम आउट ऑफ वो हैं पूरे, यानी हमारे ऑर्डर फुल हो चुके हैं। अब टेक्सटाइल इस वक्त जो है फुल कैपेसिटी पे चल रही है। तो मैक्सिमम साल तक और मिनिमम जो है 6 महीने तक के ऑर्डर हैं सबके पास। और ये सारा ऑर्डर जो है कोविड के ऐसे इंडिया और बांग्लादेश का जो ऑर्डर था वो सारा पाकिस्तान आया है, इस वजह से क्यों बंगलादेश बांग्लादेश और इंडिया का क्यों आए? सर केसेस बढ़ गए ना वहाँ। कोविड की वजह अच्छा, से ना केस इंडिया में कंट्रोल नहीं हो रहे थे। हाँ, इंडिया में तो था कोविड ज्यादा था, बांग्लादेश में तो नहीं है? अच्छा, अब बांग्लादेश के अंदर भी सर इश्यू थोड़ा बढ़ रहा है सर। असल में वो फैक्ट्री में सर कंप्लाइंस उस तरह करवा नहीं पाए, मतलब कोविड की एसओपी वगैरह इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए, चीजें मेंटेन नहीं करवा पाए बांग्लादेश में ना। यहाँ यहाँ कौन पाकिस्तान में सी? फैक्ट्री रिस्पॉन्स करा नहीं, यहाँ कौन सर। सी यहाँ इंप्लीमेंट हुई पे है? यहाँ ये है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ना बहुत बेहतरीन इंतजाम होता है। यानी एट अ टाइम ऑडिट के वक्त जो है आप बहुत उसको कवर बेहतरीन कर लेते तरीके हैं। से यस डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं, सर, यस लेकिन सर। बाद में फिर वही चल रहा होता है। तो उन्होंने जो है ना बहुत अच्छा डिमोन्स्ट्रेट करा, एसओपी वगैरह, फिर अपना नहीं, सैनिटाइजर आप बूथ वगैरह। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, उस लेवल का कोरोना था नहीं, हम इसलिए बचे, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, वो तो अल्लाह का शुक्र है, बचत तो हो गई ना यस सारी। सर। वो सर, वो शुरू में जो लॉकडाउन लगाया था ना इमरान खान ने, और केसेस वगैरह भी कम थे, इतने नहीं थे, तो उसका भी जो है इफेक्ट आया था यहाँ पे पाकिस्तान में ना, क्योंकि बांग्लादेश के पास भी ऑर्डर तकरीबन फुल थे, तो वो सारा ट्रांसफर जो है वो इधर हो गया। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ हो गया। नहीं, जी टेक्सटाइल तो नहीं काफी सर, इनको बहुत ऑर्डर्स मिले हैं, इनके तो 24 घंटे का फैक्ट्री है। छोटे छोटे टेक्सटाइल को भी ऑर्डर मिल गए हैं, क्योंकि बड़ी टेक्सटाइल के पास इतना इतना काम है, कोई छोटे वालों से काम करा रही है। सीमेंट सर गुल अहमद तो सेक्टर जून ने जुलाई रिकॉर्ड से बनाया फुल। है। सर गुल अहमद जो है वो तो जुलाई से ही फुल कैपेसिटी पे स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, तो क्लास स्टार्ट करें या वेट करना है यस कोई? सर। सर लास्ट लेक्चर से मेरे कुछ क्वेश्चंस थे सर। हाँ, कौन? तहसीन तलब। तला? हाँ बोलो तला, पूछो। अच्छा सर, ये तो जैसे आपने केसीआर का बताया कि वो दोबारा जो है ना अब स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट, तो ये आया था कि ये दोबारा होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन जो है ना उस वक्त ही रह गया था, इसका आंसर मिल नहीं पाया था, तो शहरयार सर क्या बता जवाब है दें। इसका? है शहरयार? कौन सा सर? जी, दोबारा लास्ट रिपीट करें। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि केसीआर शुरू हो रही है दोबारा, कराची सर्कुलर रेलवे, जी, तो दोबारा स्टार्ट हो रहा है ना ये, तो इसका तो ईआईए होना चाहिए, सर लाजमी होना चाहिए। तो कौन कहाँ हो रहा है?
लाजमी होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए ये उसकी वजह ये है कि उसकी वो जो रेलवे था उस पे जो अब तो रेजिडेंसीज आ गई है। एग्जैक्टली तो वही सोशल इम्पैक्ट तो आ रहा है, सोशल भी है और इसके साथ साथ सर एनवायरमेंटल भी है, क्योंकि बहुत सारी जगहें यहाँ पर जो पहले रेलवे लाइंस थी वो सारी खत्म हो गई है, उसके ऊपर रोड्स बना दिए गए हैं या रेजिडेंशियल कर दिया गया है या कोई प्लाजा खड़ा कर दिया गया उसके ऊपर। तो अब तो सर इसका ई आई ये 2013-14 में भी हो चुका है, बाहर की कंपनी ने किया था और स्पार्को ने इनके साथ कोलैबोरेट करके नॉइज का वाइब्रेशन का। जी सर इसकी तो ई आई ए मैंने देखी है वो ई आई ए और इसकी ई आई ए भी। वालेकुम अस्सलाम। ई एम सी ने की है मेरे ख्याल में, मुझे जो याद पड़ रहा है। जी ई एम सी ने की है ना। जी हाँ वो तो मैंने देखी है। आपने EMS में मुझे दिया था EIA करने का रेलवे का, तो वो उस पे मैं वर्किंग कर रहा था तो KCR का भी मुझे मिला था। अच्छा जी सर। अच्छा चले EIA नहीं होगी, वो ऐसी स्टडी होगी सर, EIA नहीं हुई है इसकी, KCR की नहीं हुई, लेकिन होनी चाहिए। नहीं मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए, बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं जो सोशल इम्पैक्ट्स तो बहुत ज्यादा है इस प्रोजेक्ट के, जो कि अब ये स्टार्ट करेंगे तो अभी देखना इनको और क्या मुश्किलात आएंगी। भारत स्टार्ट करते हैं आज, मैं आपको हम जो डिस्कस करेंगे वो IEEE रेगुलेशन पे आ जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मिड टर्म भी स्टार्ट होने वाले। मिड टर्म का जो है डिस्कस मैंने करना था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मैंने कि मिड टर्म जो है आप लोगों ने असाइनमेंट बेस्ड देना है, क्योंकि मेरी डिस्कशन ये चल रही कि असाइनमेंट बेस्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है, यानी एक पर्टिकुलर डेट में 24 घंटे का मैं आपको टाइम दे दूंगा, टॉपिक्स दे देंगे। डीन साहब से मेरी बात हुई है, डीन साहब कह रहे हैं कि अगर आपने असाइनमेंट बेस्ड कंडक्ट कराना है तो उसको असाइनमेंट बेस्ड ही कर लें, क्योंकि हमने अंडर ग्रेड में जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है हमारा वहाँ पे असाइनमेंट बेस्ड हुआ है। तो असाइनमेंट बेस्ड ऐसे होगा कि हम आपको टॉपिक्स दे देंगे जिस तरह लास्ट सेमेस्टर में दिए थे, उन टॉपिक्स पर आप जो है वो असाइनमेंट बना लीजिएगा, फिर वही प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन देंगे तो 30 मार्क्स आपके मिड टर्म के अंदर काउंट हो जाएंगे। तो सर ये उधर ग्रेजुएट मतलब एम्स में कैसा रहा है? हर जगह पे ऐसी सही कामयाब तजुर्बा रहा है सर? हाँ ऐसी किया सर जगह पे इन्होंने, क्योंकि वो इसमें पता है क्या हो रहा था, LMS पे पेपर लेने में ये हो रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उस वक्त पर्टिकुलर टाइम में इंटरनेट नहीं होता बस स्टूडेंट्स के पास, तो वो वालेकुम अस्सलाम उस्मान, वो अपना पेपर जमा नहीं करा सकते, तो उस पर डीन साहब ने कहा कि इसको हम असाइनमेंट बेस्ड कर देते हैं। वायरल डिस्कशन जारी है, मैं आपको जैसे होगा ना बता दूंगा। तो स्टार्ट विद द क्लास। अच्छा IEEE का हमने लास्ट टाइम फ्लो चार्ट पढ़ा था, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे IEEE रेगुलेशन जो कि सबसे पहले 2000 में आई, फिर 2014 में 2012 में अमेंड हुई। तो पहले मैं तो खोल देता हूँ, मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन नजर आ रही होगी सबको? जी सर जी आ रही है सर। अच्छा ये रिव्यू ऑफ IEEE एंड EIA रेगुलेशन 2000, ये पंजाब का मैंने खोला है या आप इसको पाकिस्तान का भी कह लें, सबसे पहले 2000 में आया था। अच्छा हम इसको कहते हैं रिव्यू ऑफ IEEE रेगुलेशन। मैंने आपसे कहा था कि एक्ट्स आर फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय रेगुलेशन, हमारे जो कानून होते हैं एक्ट्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वो एक्ट वो फर्दर एक्सप्लेन होगा रेगुलेशन के तहत, यानी एक्ट्स को हम रेगुलेशन से एक्सप्लेन करते हैं। एक्ट में तो लिखा है कि हर नया प्रोजेक्ट जो है वो IEEE या EIA फाइल करेगा एजेंसी के अंदर,
अब उसको फर्दर एक्सप्लेन करना है तो जैसे मैं आप मिसाल देता हूँ मैं आपको कि कुरान में लिखा है नमाज पढ़नी है आपने, तो ये तो कानून है अल्लाह का, इंसाफ करना है आपने, रोजे रखने, ये तो हो गया एक्ट, ये हो गया अल्लाह ताला का एक्ट कानून। उसके बाद नमाज कैसे पढ़नी है उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, रोज़ा कैसे रखना है वो तो तरीका तो पूरा कुरान में नहीं लिखा, रोज़ा कैसे रखना है, किस वक्त आपकी सहरी का टाइम होगा, किस वक्त आपकी अफ्तारी का टाइम होगा, और उसमें क्या चीज़ खानी है क्या चीज़ नहीं खानी। तो बहरहाल ये जो जैसे हदीस जो है वो कुरान की एक्सप्लेनेशन है, फर्दर एक्सप्लेनेशन है, इसी तरह रेगुलेशन जो होती हैं वो एक्ट की, एक्ट जो इन्वायरमेंट कोई भी एक्ट होता है उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। फर्ज के मैं कहता हूँ कि भाई आप कोई भी प्रोजेक्ट लगने जा रहे हैं नया, उसकी कंस्ट्रक्शन है या ऑपरेशन फेज है इंस्टॉलेशन फेज है, तो उसकी IEEE या EIA होगा। तो अब IEEE और EIA कैसे होगा, किन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए वो अलग से एक रेगुलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो एक्ट्स आर फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय रेगुलेशन, मैंने आपको इसको क्लैरिफाई कर दिया। सबसे पहले हमारे पास 2000 आया था जो कि पंजाब के अंदर अप्रूव हुआ था और पंजाब ने उसको फॉलो किया था। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा वो ये है कि सबसे पहले टाइटल क्या है, इस रेगुलेशन का टाइटल क्या है, इसके अंदर डेफिनेशन, हर रेगुलेशन हर एक्ट उसके अंदर स्टार्टिंग में डेफिनेशन होती हैं। जैसे मैंने आपको EMS के अंदर, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी शुरू में डेफिनेशन बताई थी। फिर आया है कि प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग एन IEEE, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर IEEE होनी चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी EIA होनी चाहिए, और ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको ना IEEE की ज़रूरत है ना EIA की ज़रूरत है। फिर आपने IEEE EIA की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसकी रिव्यू फीस कितनी है, और फाइलिंग कैसे करनी है, उसका फाइल कैसे करना है, फाइल करा के क्योंकि आप सबमिट कराते हैं, फिर उसकी प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी होती है, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे होगी, उसका क्या तरीकाकार है, रिव्यू क्या होगा, रिव्यू का कितना टाइम पीरियड होगा, और उस पर फिर डिसीजन क्या होगा इदारे का, फिर कंडीशन ऑफ अप्रूवल क्या होंगे कि भाई अगर आप कंपनी कंप्लायंस नहीं करती तो अप्रूवल में भी विद हेल्ट और कैंसिल भी हो सकता है, कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस हो गया। फिर बाज़ औकात जो है जो एजेंसी है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी वो रिव्यू पीरियड में एक्सटेंशन भी मांग लेती है, ठीक है। वैलिडिटी पीरियड ऑफ अप्रूवल, कोई भी अप्रूवल हुई है उसकी वैलिडिटी पीरियड क्या है, एंट्री एंड इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग, कैसे एंट्री हो रही है और उसका इंस्पेक्शन का तरीकाकार क्या होगा, मॉनिटरिंग कैसे होगी, कैंसिलेशन ऑफ अप्रूवल, अप्रूवल कैसे कैंसिल हो सकती है, रजिस्टर्स ऑफ IEEE प्रोजेक्ट्स, उसका रजिस्टर्स कैसे मेंटेन करेगा, एनवायरमेंटल सेंसिटिव एरियाज क्या होते हैं, अच्छा, और एनवायरमेंटल असेसमेंट एडवाइजरी कमेटी, ये वही जो ECs बनती हैं, एक्सपर्ट कमेटीज बनती हैं, वो एक्सपर्ट कमेटी किन किन लोगों में मुश्तमिल होगी, और अदर अप्रूवल्स। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं। तो ये तो टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स रेफर्ड बाय सेक्शन 33, इसका मतलब कौन बताएगा, SRO 339, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कंफर्म्ड या रेफर्ड बाय सेक्शन 33, इसका कौन मतलब बताएगा, पूछेंगे चीजें ये मुझे बताएंगे। तहसीन साहब हैं, अमजद सर नहीं, इसका अंदाजा नहीं। हसन, देखें सिंध में लिखा है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कंफर्म्ड बाय सेक्शन 36, यहां लिखा है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स रेफर्ड बाय सेक्शन 33 ऑफ पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, क्या मतलब है इसका सर, ये जो पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 का सेक्शन 33 में जो यानी पावर्स दे दी गई हैं, यानी ये काम करना है, तो ये है। उसको रेफरेंस देते हुए बता रहे हैं कि ये डेफिनेशंस क्या क्या है उसके अंदर, ठीक है, गुड। देखें हम कोई भी एक्ट होता है ना, कोई भी, मैं सिर्फ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात नहीं कर रहा, कोई भी हमारा लॉ या एक्ट बनता है तो उसके अंदर उस लॉ या एक्ट की पावर बताई जाती है कि उसकी पावर क्या, वो क्या कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म्ड, ये सिंध में कन्फर्म्ड का लफ्ज यूज किया है, और यहाँ पे लिखा है रेफर्ड बाय सेक्शन 33, यानी जो हमारा पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसका सेक्शन 33 ने उस एक्ट को पावर दे दी है कि वो जो है वो कोई भी रेगुलेशन बना सकता है रिगार्डिंग एनवायरमेंट अगर वो समझता है,
ठीक है शहरयार जी सर, अभी इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट्स अप्रूव होने जा रहे हैं सिंध के अंदर सर, अप्रूव भी होने जा रहे हैं, एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स भी होने जा रही है, एक्ट के अंदर अमेंडमेंट भी होने जा रही है, तो वो किस किस पावर्स के थ्रू जाएंगी, वो पावर, वो एक्ट की पावर कौन से सेक्शन में लिखी है सिंध के, कभी पता है इसको देखा है? 33 की सर पाकिस्तान, नहीं नहीं सिंध में मेरे ख्याल में 36 नहीं नहीं सिंध का डिफरेंट है, सिंध का 36 है, हाँ 36 ऐसी कुछ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिंध का 36 है और पंजाब का 33 है, तो कोई भी एक्ट जो है या कोई भी लॉ जो है वो अपने अपने ही एक्ट को पावर देता है कि वो इसके अंदर अमेंडमेंट कर सके, ठीक है, एज पर नीड, जैसे इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट जो है वो अप्रूव होने चाहिए, अब उसको डायरेक्टर जनरल या डीजी कैसे बुलाएगा, उसको डीजी डायरेक्ट नहीं बुला सकता, वो उस पावर को यूज करेगा जो कि उसको सेक्शन 36 देता है, ठीक है। तो पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज प्लीज टू मेक द फॉलोइंग रूल्स, उन्होंने ये रूल्स बनाए हैं, सबसे पहले तो उसका टाइटल एंड कमिटमेंट होता है, याद रखिएगा, कोई भी रूल या रेगुलेशन बनती है, कोई एक्ट बनता है तो उसका टाइटल होता है, जैसे रिव्यू ऑफ IEEE रेगुलेशन, इसके साथ रिव्यू लाजमी लगता है, तो रिव्यू ऑफ IEEE इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन एंड EIA रेगुलेशन 2000, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, अच्छा दे शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ये नहीं होगा आहिस्ता आहिस्ता करके लागू नहीं होगा, ये एकदम ही लागू होगा, तो एट फोर्स इनटू फोर्स एट वंस एकदम पूरा लागू हो जाएगा, एक दफा जब रेगुलेशन निकल जाएगी तो अब उसकी उसकी उसके एक्शन में डिले नहीं होगा। डेफिनेशंस क्या है, अब इसके अंदर डेफिनेशंस है, फर्ज किया एक्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर नीचे कहीं एक्ट लिखा हुआ आ रहा है तो एक्ट से मुराद पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1997, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल से क्या मुराद है, मींस डायरेक्टर जनरल ऑफ द फेडरल एजेंसी, अगर वो प्रोविंस है तो प्रोविंशियल एजेंसी आ जाएगा। EIA मींस क्या, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एज डिफाइंड इन क्लॉज 6 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट 1997, ठीक है। इसी तरह IEEE का क्या मतलब होगा और उस कौन सी क्लास के अंदर इसको डिफाइन किया गया, ये बता दिया 1997 के। शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल इज कैजुअल मीन अ शेड्यूल टू दीज गाइडलाइंस, ठीक है। अब नीचे हम शेड्यूल देखेंगे, देखें जब भी हम कोई प्रोजेक्ट देखते हैं हम ये कहते हैं कि वो किस किस शेड्यूल में लाए कर रहा है, शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 2 में है, शेड्यूल 3 में है, ठीक है। पंजाब में सिर्फ दो शेड्यूल है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, कौन बताएगा शेड्यूल 1 क्या है और शेड्यूल 2 क्या है, ये मुझे तलहा इफ्तिखार बताएंगे, तलहा नहीं पता सर, नहीं पता, ये बड़े काम की चीज है, उसकी वजह ये कि इसी पे इन्वायरमेंटल लॉस पे इंसान कमा रहा होता है। हसन फरीद, यहाँ पे स्केड्यूल लिखा है, स्केड्यूल 1 स्केड्यूल 2 और सिंध में स्केड्यूल 3 भी है, इसके अंदर 3 भी है सर, ये वो है जिनके अंदर वो इंडस्ट्रीज वगैरह डिफाइन नहीं हुई है, ठीक है। स्केड्यूल 1 किस पे जाएगा, स्केड्यूल 1 किस पे जाएगा, स्केड्यूल 1 सर मेरे ख्याल से बड़े प्रोजेक्ट पर है, जो 50 बिलियन या इससे बड़े कुछ प्रोजेक्ट होता है ना उस पे है, या फिर इसमें मेरे ख्याल से एरिया भी डिफाइन हुआ था। अच्छा गुड, और कोई सर, EIA और स्केड्यूल 1 EIA है और स्केड्यूल, हां वो बड़े प्रोजेक्ट के लिए EIA सर, इसके बाद IEEE फिर चेकलिस्ट है। स्केड्यूल 1 जो है वो IEEE है और स्केड्यूल 2 जो है वो EIA और स्केड्यूल 3 जो है सर, पंजाब में नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट में चेकलिस्ट, पंजाब में दो है सर, पंजाब में दो है, स्केड्यूल 1 एंड स्केड्यूल 2। तो हम जब कोई बात करते हैं ना तो हम ये कहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है स्केड्यूल 1 में आता है, स्केड्यूल 2 में आता है, स्केड्यूल 1 का मतलब ये कि IEEE में और स्केड्यूल 2 का मतलब EIA, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा सेक्शन मीन्स द सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, all other words and expressions used in these guidelines but not defined shall have the same meanings as are assigned to them in the act, theek hai, agar koi is tarah ki koi word aati hai to wo bhi inhi act ki in definitions ke andar count hogi। acha phir teesra jo hamara section hai projects requiring an IEEE, a proponent of the project falling in any category specified, dekhiye yahan kya likha hai wohi main aap se jo discuss kar raha tha, yahan kya likha hai schedule 1 ya schedule 1, to schedule 1 mein जो भी प्रोजेक्ट्स लाए कर रहे होंगे कैटेगरी, उसकी कैटेगरी जो होगी वो उस कैटेगरी में जो लाए कर रहा होगा
तो उसको हम स्केड्यूल वन का प्रोजेक्ट कहेंगे। सिंध में मुझे नहीं पता है, सिंध में भी ऐसे ही है ना, स्केड्यूल वन आई डबल ई है, स्केड्यूल टू आई डबल ई। सर वन आई डबल ई है, टू ई आर के, थ्री जो है चेकलिस्ट, चेकलिस्ट है, ठीक है गुड। तो यहाँ पे स्केड्यूल वन या शेड्यूल वन जो है वो शेल फाइल एंड आई डबल ई विद द एजेंसी अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12। अभी यहाँ पे सेक्शन 12 है वो जो मैंने आपको बताया था, हियर विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द सच प्रोजेक्ट, ठीक है, टू अप्लाई सच प्रोजेक्ट। अच्छा पंजाब में सेक्शन 12 है, सिंध में लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, सिंध में किस सेक्शन में 16 है, और बलूचिस्तान में पढ़ा चुका हूँ यार मैं, हाँ सर पढ़ाया तो था, सेक्शन 15 है, कौन सा 15 है सर, 15 है। तो प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग एन आईडब्ल्यू या प्रोपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोपोनेंट किसे कहते हैं, वही प्रोपोनेंट जो कि प्रोजेक्ट का मालिक है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहा है। ऑफ द प्रोजेक्ट फॉलिंग इन एनी कैटेगरी स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 1 शैल फाइल एन आईडब्ल्यू विद अ फेडरल एजेंसी टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12, ठीक है, सेक्शन 12 की प्रोविजन के लिए। इसी तरह अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन ईआईए, अ प्रोजेक्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉलिंग इन कैटेगरी स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 2, फर्क क्या है, दिस इज स्केड्यूल 2, तो स्केड्यूल 1 है, स्केड्यूल 2 है, एंड प्रोविजन प्रोविजन विद अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 अप्लाई टू सच प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे टर्म एक और भी लिखी है, इन एडिशन टू एनी कैटेगरी स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 1 एंड 2 अप्रोप्रिएट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट शैल फाइल, इसका क्या मतलब है शहरयार, सॉरी इसका क्या मतलब है, अदर अदर प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग एन आईडब्ल्यू और ईआईए, अदर प्रोजेक्ट्स का मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपको इसके स्केड्यूल में फॉल नहीं कर रहे, जो स्केड्यूल में फाइल नहीं कर रहे, तो उसके लिए क्या करना होता है सर, वो कंसल्ट की जाती है अपना डायरेक्टर जनरल या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से कि इस तरह का प्रोजेक्ट है आप हमें सजेस्ट करें कि ये आईडब्ल्यू फॉल करेगा या ईआईए में, या गुड। एक प्रोजेक्ट था ईएमसी ने जमा कराया था, अभी ये पिछले 2 महीने पहले की बात है, मैं उसके एक्सपर्ट कमेटी का मेंबर था, तो उस प्रोजेक्ट में ये हुआ था कि ईएमसी ने उसको आईडब्ल्यू के अंदर फाइल किया था, ठीक है, आईडब्ल्यू बना के जमा करा दी थी, तो वो था स्टोरेज एरिया का, यानी वो ऑयल जो डिस्टिलरी ऑयल होता है ना, जो गन्ने से जो ऑयल निकलता है बगास, उससे वो E10 बना रहे थे, कुछ भी था उसका स्टोरेज था, बहुत बड़ा स्टोरेज टैंक उन्होंने डिजाइन करने थे और ये करने थे नॉर्दर्न बाईपास पे आबादी के पास, तो वो मेरे सामने जो है वो बैठे बिठाए आईडब्ल्यू फाइल की थी उन्होंने, तो डीजी ने पूरे एक्सपर्ट मेंबर्स को बुलाया, इसमें शायद लुत्फी साहब भी थे और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर शायद अमजद साहब भी थे, तो उसके बाद हुआ ये था कि उसके रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स लाइकली टू कॉज एड इनवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, सिर्फ इस बेस पे उन्होंने कहा था इसका एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, तो प्रोजेक्ट जो है आईडब्ल्यू से वो ईआईए में कन्वर्ट हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर तो नहीं होते, लेकिन फिर वो एक्सपर्ट कमेटी या डायरेक्टर जनरल जो है रिगार्डिंग एडवर्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स की बेसिस पे उसको वो करता है, असाइन करता है कि भाई इसकी स्केड्यूल 1 में फाइल कर रहा है, स्केड्यूल 2 में जा रहा है। फॉर प्रोजेक्ट्स नॉट स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 1 एंड 2 बट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द फेडरल एजेंसी हैज इशूड गाइडलाइंस, ऐसे प्रोजेक्ट्स ना जो कि ना स्केड्यूल 1 में है ना स्केड्यूल 2 में, तो उनका क्या करना है, पेट्रोल पंप का क्या करना होता है, ये कौन बताएगा मुझे, माहम सर, वैसे तो एनवायरमेंटल चेकलिस्ट है लेकिन होना आईडब्ल्यू चाहिए, कल मैं थोड़ा सा इस पे डिस्कस करूं, बिल्कुल बिल्कुल सबको हक है, बोले बोले सर। यहाँ सिंध में भी मैंने देखा है जो मेरे पास आती है ना रिव्यू के लिए फाइनेंसिंग से पहले, उसके अंदर चेकलिस्ट पे भी है और आईडब्ल्यू पे भी है, पर पंजाब के और जो केपी के और जो बलूचिस्तान से आ रही होती है ना वो सारी आईडब्ल्यू पे इशू हुई हुई होती है पेट्रोल पंप पे, बिल्कुल, हालांकि इनका मेरे ख्याल में तो ईआईए होना चाहिए, देखिए कम से कम आईडब्ल्यू तो होना चाहिए, क्योंकि सर वेरी करता है, कोई पेट्रोल पंप की स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इनको डीसीओ तक DCO सर डिप्टी कमिश्नर तक इनको अप्रूवल देता है, DCO के बगैर ये लग ही नहीं सकते, नहीं लग सकते पंजाब में, तो आप जब तक ट्रैफिक पुलिस से इनको ट्रैफिक पुलिस से इनको अप्रूवल लेना है, तो उसको होना ऐसा चाहिए। EIA तो चले एक छोटा पंप है उस पे ना बनाई जाए, फाइल ना की जाए, सर मैं छोटे पंप की बात नहीं कर रहा, वेरी करता है ना सर, बहुत सारे डिफरेंट साइजेस के आ रहे होते हैं, यहाँ तो चेकलिस्ट में उसको
डंप कर देते हैं, लेकिन होना इसका आईडब्ल्यू, मेरे हिसाब से आईडब्ल्यू होना चाहिए। थोड़ा सा प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है सर, सिंध में होता है, कुछ कुछ पे होता है। अच्छा, मैंने कभी देखा नहीं है इसको सिंध में। अगर मैंने अब दोबारा रिव्यू किया और आया तो भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा चले, बहरहाल ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 2 में नहीं होगा, लेकिन फेडरल एजेंसी उसका गाइडलाइन इशू करेगी, क्यों, उसके कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन से पहले या कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन के लिए, ठीक है। और याद रखिएगा दो चीजें, एकम्पेनिड एकम्पेनिड बाय अंडरटेकिन एंड एफिडेविट दैट अ फॉरसीड गाइडलाइन शैल बी फुली कंप्लाइड विद। अच्छा, मैंने पंजाब में दो तीन मैंने EIA फाइल की थी, तो उसमें वहाँ पंजाब में प्रैक्टिस है कि कोई भी IW या EIA फाइल होगा तो उसकी एक अंडरटेकिंग और एक एफिडेविट जो है प्रोपोनेंट जमा कराएगा, ये लाजमी है। सिंध में मैंने ये देखा है कि अगर वो एजेंसी जो है वो अगर मांग रही है तब क्लाइंट जमा कराता है, अदरवाइज नो अंडरटेकिंग नो एफिडेविट। लेकिन सर सिंध के लॉस में भी ये चीज मेंशनड है, वो तो अलग होने चाहिए, जमा होना चाहिए, करवानी चाहिए, जमा करानी लेकिन चाहिए। वो अलग है कि ये लोग करवाते नहीं है, करवाते नहीं है। तो एक अंडरटेकिंग क्लाइंट की तरफ से जमा होना चाहिए कि भाई वो कंप्लायंस करेगा रिगार्डिंग एयर एमिशन, रिगार्डिंग वाटर डिस्चार्ज, जो भी उसकी एमिशन होगी, डिस्चार्ज होगा फ्लोरा फाना के हिसाब से। मेरे पास अंडरटेकिंग की कॉपी पंजाब में होता है, पंजाब में लाजमी होता है, उसके बगैर एक्सेप्ट नहीं करते जी सर, एफिडेविट भी मांगते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो आगे आ जाइए, सब्जेक्ट टू रेगुलेशन 3 फेडरल एजेंसी। अब ये सारा है कि भाई लिस्टेड स्केड्यूल 1 में नहीं होगा, स्केड्यूल 2 में होगा तो फाइल IW करेगा, EIA करेगा, ठीक है। नो डायरेक्शन अंडर सब रेगुलेशन 2 शैल बी इशूड विदाउट द रिकमेंडेशन इन राइटिंग एनवायरमेंटल असेसमेंट एडवाइजरी कमेटी। ये यहाँ पे भी बनती है और वहाँ पे भी बनती है कि गाइडलाइंस जो है वो एनवायरमेंटल एडवाइजरी कमेटी उसको डिजाइन करेगी, या हमारे यहाँ एक्सपर्ट कमेटी कहा जाता है इसको। अच्छा, प्रेपरेशन ऑफ IEEE और EIA, ये सेक्शन 6 की बात कर रहा हूं आपसे। द फेडरल एजेंसी में इशू गाइडलाइंस फॉर प्रेपरेशन ऑफ एन IEEE और EIA। अच्छा, विद जनरल एप्लीकेबल। जी सर, ये जो फेडरल एजेंसी होती है ये सिंध और पंजाब दोनों के लिए काम करती है क्या? नहीं, फिर ये तो मैंने पंजाब का खोला है ना जी, तो ये सिर्फ पंजाब के लिए होती है। पंजाब वाले फेडरल एजेंसी को फॉलो करते हैं। अच्छा, ये मैंने सबसे पहले नहीं, पंजाब का तो अलग से बना हुआ है ना, ईपीटी बना हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद वाले एरिया को देखता है। देखिए वो बात, सिंध वाले किसको फॉलो करते हैं? सिंध वालों की अपनी है। अच्छा, जो भी मैं खोलूंगा अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, सही है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ IEEE और EIA, फिर क्या है, गाइडलाइंस फेडरल एजेंसी में इशू गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ IEEE और EIA, ठीक है। फेडरल एजेंसी जो है वो गाइडलाइंस इशू करेगी, ठीक है। हमारे यहाँ सिंध में गाइडलाइंस नहीं है, पंजाब में गाइडलाइंस हैं कि आपने जब IEEE या EIA बनाना है तो इन गाइडलाइंस को सामने रख के बनाना है। ये मैंने इमरान साबिर साहब से भी डिस्कस किया था कि गाइडलाइंस को फॉलो क्यों नहीं किया जाता, तो बार उन्होंने कहा था कि गाइडलाइंस है लेकिन जो पैटर्न है उन्हीं गाइडलाइंस को देख के हम रिपोर्ट फाइल करते हैं, लेकिन एज सच गाइडलाइंस सिंध के अंदर नहीं है, पंजाब वाले उस स्पेसिफिक गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। मैं गाइडलाइन अभी आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। फिर आगे आ जाइए, रिव्यू फीस, ये मैं छोड़ रहा हूँ सारा। रिव्यू फीस सेक्शन 7 के अंदर, द प्रोपोनेंट शैल पे एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एन EIA non-refundable review fee to the agency in accordance with rates specified in Schedule 3. तो यहाँ पे Schedule 3 के अंदर, Schedule 3 का मतलब क्या है कि वहाँ पे उन्होंने उसको rates दिए हुए। rates का मतलब ये है कि अगर IEEE बनेगी तो वो 15,000 रुपये का या 15,000 का उसके साथ चालान जमा होगा या पे ऑर्डर जमा होगा, और अगर EIA है तो वो 30,000 का। सिंध में बहुत ज़्यादा रेट है, सिंध में IEEE का जो है वो 100,000 है यानी 1,00,000 रुपया है, और EIA का जो है 200,000, 2,00,000 रुपये रिव्यू फीस है, ठीक है। फाइलिंग ऑफ IEEE EIA, 10 पेपर कॉपीज एंड 2 इलेक्ट्रॉनिक, ये भी मैंने कभी नहीं देखी यहाँ पे जमा होते, ये जमा होती है सर? होती है, EIA के केस में होती है, IEEE में नहीं होती सर, दोनों में होती है। अच्छा यार, मैंने तो आज तक जमा नहीं कराई।
वो अलग सी बात है कि आपने नहीं कर रहा है, लेकिन होती है सर। होती है। अच्छा ठीक है, 10 पेपर कॉपीज, 10 कॉपियां इसकी जमा होती हैं, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज ऑफ, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज जमा होती हैं ऑफ IWEIA शैल बी फाइल्ड विद द फेडरल एजेंसी। एवरी IWE और EIA शैल बी अकॉम्पनीड बाय, अच्छा फिर इसके बाद इसकी एक एप्लीकेशन होगी जिसको हम कवर लेटर भी कहते हैं, एप्लीकेशन होगी इन द फॉर्म सेट इन द स्केड्यूल 4, यहां पे उसका फॉर्म भी दिया हुआ है ठीक है। और कॉपी ऑफ रिसीप्ट शोइंग पेमेंट ऑफ रिव्यू फीस, ठीक है कॉपी ऑफ रिसीप्ट मिलेगी जिसका, फिर ये आपकी फाइल जो है इन दो चीजों के साथ एकम्पेनेड हो। फिर प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी होता है 10 वर्किंग डेज के अंदर जो फाइल किया जाता है, रिपोर्ट जो एजेंसी के अंदर जमा कराई जाती है, तो फेडरल एजेंसी उसकी प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी करेगी, पहली स्क्रूटनी उसकी स्टार्ट शुरू हो जाएगी 10 दिन के अंदर अंदर। कंफर्म दैट द IWE और EIA इज कंप्लीट फॉर पर्पस ऑफ इनिशिएशन ऑफ रिव्यू प्रोसेस, वो ये देखते हैं कि इनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है ताकि इसकी IWE या EIA का जो इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। पहली स्क्रूटनी क्या होती है कि वेदर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड, इनकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है। बाज़ दफ़ा हम जमा कराते हैं किसी के अंदर जो है वो एफिडेविट नहीं लगा होता, या समटाइम्स कोई भी फाइल जो है उसके अंदर अंडरटेकिंग नहीं होती, कहीं साइट लेआउट मैप नहीं होता, कहीं पे जो है अगर वो सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन नहीं होता, तो वो इनिशियल रिव्यू करते हैं और फिर उसके बाद वो दोबारा उस कंसल्टेंट को या उस प्रोपोनेंट को लिख देते हैं कि आपने ये चीज़ जमा नहीं कराई। तो कन्फर्मेशन दैट द IWE और EIA इज कम्प्लीट, और दूसरे नंबर पे रिक्वायर दैट द प्रोपोनेंट टू सबमिट सच एडिशनल इंफॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड। और अच्छा प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी पंजाब में प्रोसेस ये है कि जब आप फाइल करते हैं तो वो आपसे रिव्यू मांगते हैं, हर रिपोर्ट के अगेंस्ट रिव्यू आता है, यानी वो रिव्यू यू हैव टू सबमिट इट ठीक है। रिव्यू के अंदर पॉइंट्स होते हैं कि आपने ये चीजें इस रिपोर्ट के अंदर छोड़ी हुई है, मिसिंग है, यू नीड टू सबमिट इट। तकरीबन हर रिपोर्ट के अंदर एक रिव्यू आता है और मैं इसको आगे डिस्कस भी करूंगा। सिंध में भी ऐसा है? बिल्कुल आता है सर। IWE में आता है? सर यहाँ पे प्रॉपर एक लेटर के फॉर्म में या उस तरह की फॉर्म में तो नहीं आता, नहीं आता, लेकिन जब आप केस को प्रेजेंट करते हो तो उस वक्त हाँ कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो डायरेक्ट किया जा जाता है कि अच्छा, आपने ये चीजें सब। मजे की बात, सिंध में प्रेजेंटेशन होती है, सिंध में एवरी प्रोजेक्ट रिक्वायर्स प्रेजेंटेशन। आपने कोई भी EMP फाइल की है, IWE फाइल की है और EIA फाइल की, तो पब्लिक हियरिंग पे जाएगी। तो लेकिन सिंध में ये कि हम प्रेजेंटेशन देते हैं जो कि एक अच्छा एक्शन है। पंजाब में प्रेजेंटेशंस वाली कहानी नहीं है। पंजाब में आप रिपोर्ट फाइल करते हैं, वो उसके अंदर डेफिशिएंसीज देखते हैं और उसका एक रिव्यू लेटर बना के दे देते हैं कि भाई ये चीज़ इसके अंदर डेफिशिएंसी है, आप इसको फुलफिल करें बस। सिंध में कि हम डायरेक्टर्स के सामने बैठते हैं या कभी DG के सामने बैठना पड़ जाता है तो वो उसकी प्रेजेंटेशन लेते हैं जिसमें वो पूछते हैं कि भाई ये डेफिशिएंसीज है इसके अंदर, आप इस चीज़ को करेक्ट कीजिए या इसके बारे में बताइए ठीक है। तो फिर रिटर्न द IWE और EIA टू द प्रोपोनेंट फॉर रिवीजन। ये देखिए मैं लिख बता रहा था जो आपको, वहाँ पे क्या है पूरी रिपोर्ट रिवीजन के लिए वापस कर दी जाती है। रिटर्न द IWE और EIA टू द प्रोपोनेंट फॉर रिवीजन, रिवीजन लाजमी आती है। सिंध में मैं उसके हम जब रेगुलेशन पढ़ेंगे हम देख लेंगे क्या सिंध में भी ये लफ्ज लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, ये शरियत लिखा हुआ है यहाँ पे सिंध की रेगुलेशन के अंदर। सर रिवाइज रिपोर्ट की जुरिडिक्शन है सिंध में भी, लेकिन जमा तो नहीं होती। नहीं करवा सकते हैं, हमने बहुत सारी EIA में जमा होती है ना। देखिए EIA में, मैं IWE की बात करूं, यहाँ पे लिखा है रिटर्न द IWE फाइल। जो नहीं नहीं जो EIA रेगुलेशन है वही IWE के लिए भी है, ऐसा नहीं है ना वो अलग। हाँ बिल्कुल अलग तो नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं है कि IWE के लिए स्पेसिफिक है और EIA के लिए स्पेसिफिक नहीं है। हाँ तो बहरहाल क्लियरली लिस्टिंग द पॉइंट्स रिक्वायरिंग फर्दर स्टडी एंड डिस्कशन। तो स्टडी एंड डिस्कशन मेरे पास कोई पड़ा हुआ नहीं है, मैं आपको दिखाता वो कि वो आप फिर मांगते हैं आपसे कि आप ये रिवीजन प्रोपोनेंट जो है ना रिवाइज करके दोबारा जमा कराए, यानी उस जो रिपोर्ट भी आपको वापस कर देते हैं उस रिपोर्ट में कहते हैं कि रिपोर्ट के अंदर इस इन इन पेजेस पे पेज नंबर फलाने पे आप ये बना ये क्लियर करके दें हमें। तो बाकायदा आपको जो 10 कॉपियाँ शुरू में जमा कराई थी उसके अलावा भी आपको एक कॉपी और रिवाइज रिपोर्ट की जमा करानी पड़ती है, ये वहाँ पंजाब के अंदर प्रैक्टिस है ठीक है। बाहर इसके आगे हम देखते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इन केस ऑफ एन EIA द फेडरल एजेंसी, सिर्फ EIA के केस में, मैं यहाँ पे IWE नहीं लिखा हुआ,
EIA के केस में फेडरल एजेंसी शेल साइमल्टेनियसली विद इशू ऑफ विद इशू ऑफ कंफर्मेशन ऑफ कंप्लीटनेस, जो भी कंप्लीटनेस हो जाएगी उसके बाद वो कहते हैं कि भाई आप जो है वो पब्लिक नोटिस दें, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज टू बी पब्लिश्ड, रेगुलेशन 9 कहता है कि उसका कॉज पब्लिश बताएं, मतलब इन एनी इंग्लिश एंड उर्दू नेशनल न्यूज़पेपर, ये साफ लिखा हुआ, यानी आपको एक इंग्लिश या एक उर्दू न्यूज़पेपर के अंदर इसको पब्लिश कराना है ताकि लोगों को इसकी अवेयरनेस हो जाए। हमारे यहाँ कौन सा अखबार जिसमें पब्लिश होता है, जसारत में ज्यादातर, जसारत में हमारे यहाँ भी नहीं नहीं तीन में होता है, किसी भी अच्छे तीन न्यूज़पेपर में, ये तो इंग्लिश उर्दू सिंधी, इंग्लिश उर्दू और सिंधी जी। तो वो जंग में तो कभी नहीं देखा हमने, जंग में भी आता है, डॉन में भी आता है, काविश में आता है, सही ठीक है। तो इन एनी इंग्लिश और उर्दू नेशनल न्यूज़पेपर अ पब्लिक नोटिस मेंशनिंग देयर इन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, उसमें क्या क्या बताएंगे आप, देखें नोटिस के अंदर क्या बताया जाएगा, नोटिस के अंदर हम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बताएंगे कि भाई कैटेगरी उसकी क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रोपोनेंट, उसका प्रोपोनेंट का नाम और उसका एड्रेस क्या है, एंड प्लेसेस एट विच द EIA ऑफ द प्रोजेक्ट कैन सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन, वो कहीं की रिस्ट्रिक्शंस में तो नहीं है, ये भी हम बताएंगे क्योंकि ऐसी प्लेस के अंदर तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप आगे आ जाइए, फिर क्या होगा, नोटिस इशूड अंडर सब रेगुलेशन 1 शैल फिक्स अ डेट टाइम एंड प्लेस फॉर पब्लिक हियरिंग। फिर हम क्या करेंगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन दो तरीकों से होती है, मैंने आपको बताया था पब्लिक पार्टिसिपेशन जब रिपोर्ट हम फाइल कर लेते हैं तो उसके बाद एक हम करते हैं कि भाई इसको जो है वेबसाइट पे डाल देते हैं, दूसरा तरीकाकार ये क्योंकि 2000 बहुत पुरानी रेगुलेशन बनी हुई है तो यहाँ पे वेबसाइट का तस्करा नहीं है, लेकिन होता ये है कि हम एक महीने के लिए रिपोर्ट जो है वो वेबसाइट पे उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है अपलोड कर देते हैं, वो इदारा करता है, एजेंसी करती है। और इसके साथ साथ दूसरी पब्लिक पार्टिसिपेशन का तरीकाकार ये है कि हम उसको इंग्लिश और उर्दू नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर, नेशनल न्यूज़पेपर ठीक है, उसका एक नोटिस देते हैं जिसके अंदर तीन चार चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और प्रोपोनेंट की डिटेल्स क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नोटिस के बाद एक फिक्स डेट को फिक्स किया जाता है कि इस दिन पब्लिक हियरिंग आ रही है, उसका टाइम ये होगा, उसकी प्लेस या वेन्यू ये होगा, ठीक है, ताकि उस पर कोई कमेंट्स आए तो उसको एड्रेस किया जाए। फिर डेट जो फिक्स हो जाती है शैल नॉट बी अर्लियर दैन 30 डेज, ये एक और बात भी आ गई, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। ऐसा नहीं कि मैंने अखबार के अंदर जो है नोटिस दिया, न्यूज़पेपर के अंदर मैंने आज का दिया और 5 दिन के बाद उसकी हियरिंग रखवा दी, नहीं, वो शैल नॉट बी अर्लियर दैन 30 डेज, कम से कम एक महीना जो है आपको उसके अंदर टाइम देना है ताकि लोग उसको रिव्यू करके उस पर पॉइंट्स बना सके, ठीक है। तो दूसरा ये, द फेडरल एजेंसी शैल आल्सो इंश्योर दैट द सर्कुलेशन ऑफ द EIA टू द कंसर्न्ड गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सॉलिसाइट देयर कमेंट्स देयर ऑन। अच्छा, इसका जो इससे क्या मुराद है, कौन बताएगा ये मुझे कंजा बताएंगे, नाश्ता तो नहीं करने चलेंगे ना तुम लोग, नहीं था। अच्छा, कंधा इससे क्या मुराद है, 30 दिन के लिए हमने टाइम दे दिया, 30 दिन से पहले नहीं होगी, अब इससे क्या मुराद है, फेडरल उसके बाद जो इसकी, हाँ, फेडरल एजेंसी जो है वो इंश्योर करेगी कि इसकी EIA की जो रिपोर्ट है वो क्या कहते हैं सर्कुलेट हो गई है हर जगह पे, यानी मेरे हर जगह, क्या मतलब, मतलब कि गवर्नमेंट, एक मिनट में पढ़ के बताती हूँ, फेडरल एजेंसी शैल आल्सो इंश्योर द सर्कुलेशन ऑफ EIA to the concerned government agencies ko sir and solicit their comments thereon. But the federal agency jo hai wo ensure karegi ki jo EIA ki report hai wo circulate ho gayi concerned government agencies ko. Concern se murad ye hai, dekhiye, concern se murad ye hai ki agar koi particular project hai to uski concerned agencies ko bhi ek letter bheja jata hai ki bhai aap is public hearing mein aayenge. Jaise misal ke taur pe commercial plaza ban raha hai, ek mall ban raha hai, जहाँ मॉल बनते हैं, मैंने आपसे डिस्कस किया था जो मॉल तारिक रोड में बन रहा था, तो जब कोई मॉल बनता है कमर्शियल एरिया का तो उसके अंदर जो है वो ट्रैफिक वालों को लाजमी पीपा जो है या पीपा या जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो सॉरी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज है उनको लेटर लिखती है कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। कोई ऑयल एंड गैस का लग रहा है
तो हमारे यहाँ ओगरा का कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है कि भाई इसको देखना चाहिए, ऐसा ही है ना शहरयार? जी सर, बिल्कुल सर, ठीक है ना। अक्सर आपने हियरिंग में देखा होगा कि वो कंसर्न एजेंसीज को अक्सर डीजी साहब भी कह रहे होते हैं, डायरेक्टर जनरल, यार आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया, ये लोग क्यों नहीं आके बैठे इस हियरिंग के अंदर। तो उसका मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, या कोई गवर्नमेंट एजेंसीज ना भी हो, कोई एनजीओ है, तो उनको भी हमें नोटिस भेज